प्रधानमंत्री आगे की तरफ खड़े हैं और बगल में बैठे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोई अधिकारी हैं या फिर कौन लोग हैं जिनसे ये पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि दुखद घटना हुई और लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और अब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच गए हैं जो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हर्ष संघवी हैं जो गृह राज्य मंत्री हैं, देखिए उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त चर्चा चल रही है और हर्ष संघवी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे के पीछे क्या कुछ वजह रही वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा इशारों में समझाने की कोशिश जो है की जा रही है इस वक्त पीएम द्वारा, हर संघवी द्वारा पीएम को। और देखिए ऊपर की तरफ जो है प्रधानमंत्री देख रहे हैं जहां से ये केबल पूरा जुड़ा हुआ था, कैसे ये केबल टूट गया। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी गंभीर स्थिति इस वक्त पैदा हुई है और 135 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए और यहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और देखिए सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त चलाया जा रहा है, इसी का मुआयना कर रहे हैं। साथ ही जो हादसा हुआ है, इस पूरे हादसे की जानकारी इस वक्त हर्ष संघवी से मौके पर मौजूद होकर ले रहे हैं। हर्ष संघवी लगातार जब ये घटना हुई तब से यहीं पर डटे हुए थे और सारी स्थिति को जो है मॉनिटर कर रहे थे। तमाम एजेंसियां जो जो यहां पर आई, उन एजेंसियों के तमाम जो कमांडेंट थे, जो भी उनके बड़े अधिकारी थे, उनके बीच सामंजस्य बनाकर इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ी से चलाने की पूरी जिम्मेदारी हर्ष संघवी पर थी और हर्ष संघवी यहां पर मौजूद रहे। और अब हर्ष संघवी ही आप देखिए पीएम के साथ खड़े होकर पूरी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी थे जो पीछे खड़े थे और अब वो फिलहाल फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन गृह राज्य मंत्री पूरी जानकारी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए। देखिए फिर से पीछे की तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कोई और एक शख्स है जो इस वक्त प्रधानमंत्री और हर्ष संघवी के ठीक पीछे मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं कि आखिरकार ये घटना हुई और लगातार प्रधानमंत्री भावुक भी हुए इस घटना के बाद और वो मोरबी अब यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ के जो इसमें घायल हुए थे उनसे भी जाकर मुलाकात करेंगे। एक चीज़ जो मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री के ठीक ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा आप देखिए, इसी पर लिखा गया था ओरेवा। अब उसे सफ़ेद जो है पर्दे से उसको ढक दिया गया ओरेवा नाम को और प्रधानमंत्री पूरी जानकारी लेने के बाद अब सीएम और हर्ष संघवी के साथ जो है दूसरी साइड से पूरा मुआयना कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हर्ष संघवी द्वारा बताई जा रही हैं। देखिए ये जो रास्ता है जहाँ पे एसपीजी का कमांडो खड़ा है, पीएम उस रास्ते की जानकारी ले रहे हैं। देखिए ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, यही से लोग आते थे और चढ़ के ऊपर झूले ब्रिज पर आते थे, तो उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री पूरी ले रहे हैं। यानी कि हर उस चीज़ की बारीकी से जानकारी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर द्वारा ली जा रही है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही भावुक रिश्ता मोरबी से रहा है। 1997 में जब इसी मच्छू नदी में बाढ़ आई थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ पर रेस्क्यू में लोगों की मदद के लिए आए थे और अब इस बड़ी घटना के बाद वो आए हैं। देखिए यहाँ पर एक अधिकारी जो है दिखाई दे रहे हैं जो इस स्थिति के बारे में जो है प्रधानमंत्री को अपडेट दे रहे हैं। इसके पहले हर्ष संघवी पूरी जानकारी दे रहे थे और अब प्रधानमंत्री पूरी डिटेल इस वक्त उनसे ले रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ। जो इशारे से बता रहे हैं प्रधानमंत्री, उसे समझ में आ रहा है कि केबल और उसकी ऊंचाई तमाम जो जानकारी है वो पीएम उनसे ले रहे हैं। और ये सारी डिटेल इस वक्त भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ वो बेहद ही गंभीर था। 2 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को फिर से बनाए जाने का दावा किया गया। जो कंपनी है ओरेवा, उसके मालिक 23 तारीख को जयसुख ने कॉन्फ्रेंस यहाँ करी थी और उन्होंने कहा था कि ये 26 तारीख से ये झूलता पुल खोला जाएगा, 2 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया गया है। लेकिन हमने जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये जो काम किया गया वहाँ पर सिर्फ पुरानी जो स्ट्रक्चर था उसमें लकड़ा लगाया हुआ था, लकड़ी का स्ट्रक्चर था जिस पर लोग खड़े होते थे, उसे रिप्लेस कर उसे एल्यूमिनियम किया गया। जबकि जो केबल है, जो बड़े बड़े
जो अधिकारी बता रहा था कि ऊपर का जो केबल है वो केबल दरअसल रिप्लेस नहीं किया गया और कुछ केबल के हिस्से को कलर कर दिया गया, यानी कि पुराने ही केबल को जस का तस रखा गया। देखिए प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों को समझने के बाद अब जो है यहाँ से बाहर निकल गए हैं, यहीं से सीधा अब अस्पताल की तरफ प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जाएगा। एसपीजी की टीम जो प्रधानमंत्री जब तक यहाँ खड़े थे वो भी मौजूद रहे और अब प्रधानमंत्री ने यहाँ से तमाम स्थितियों का जायज़ा लेने के बाद वो यहाँ से निकल गए हैं। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है उसे भी उन्होंने बारीकी से देखा और हर्ष संघवी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो पूरी बात प्रधानमंत्री को समझा रहे थे। इस तरफ आपको दिखा दें, यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसका भी जो है इशारों में जिस तरह से वो बता रहे थे उससे समझ में आ रहा कि सारी चीज़ें उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ की हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो पर्दा लगाया गया है ओरेवा कंपनी के नाम के आगे सफ़ेद पर्दा, इससे ये बात साबित होती है कि पीएम नहीं चाहते कि ओरेवा कंपनी से जुड़ा कोई भी जो है जांच वो अफेक्ट हो और यही वजह है कि सफ़ेद पर्दा लगाया गया और इस बात की तस्दीक करता है कि ओरेवा कंपनी के काले कारनामे अब छुपने वाले नहीं हैं। जांच होगी और जो भी ओरेवा के छोटे अधिकारी पकड़े गए हैं अब जांच में बड़े अधिकारी भी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल अश्विन, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, बताया आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और देख सकते हैं हम हर चीज बारीकी से पूछते हुए जानकारी लेते हुए। सीधी तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे घटनास्थल पर और इन्होंने जायजा लिया किस तरीके से ये घटना घटी है, क्या स्थिति रही होगी उस वक्त और उन सारी चीज़ों को समझाते गुजरात के गृह राज्य मंत्री नजर आए और गुजरात के मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र पटेल इनके साथ यहां पर मौजूद घटनास्थल पे ही। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब से कुछ ही क्षण पहले की है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस मच्छू नदी में लगातार अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है जारी है क्योंकि अभी भी 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं, तलाश अभी भी जारी है लोगों की। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि नदी में पानी भी है और दलदली जमीन है, जलकुंभी है, इन सब के बीच में लोगों की तलाश यहां पर अभी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी उसी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और ये ऊपर की तरफ आकर के जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां से इस पूरे जो ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज उसकी जो शुरुआत होती थी वो कनेक्ट करने वाली जगह जहां से ये टूटी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के और उन्होंने समझा कि क्या जब घटना घटी उस वक्त स्थिति रही होगी, किस तरीके से ये पूरा कोलैप्स हो गया, ब्रिज नीचे की तरफ गिर पड़ी, वो उस चीज़ की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभी भी उस घटनास्थल पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सिविल अस्पताल जाएंगे जहाँ पर इस वक्त जो घायल लोग हैं जिनका उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है उनसे मुलाकात करेंगे पीड़ितों से। अश्विन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अश्विन आप भी उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं घटनास्थल पर, अब क्या कुछ और वहाँ पर आप देख पा रहे हैं? जी देखिए प्रधानमंत्री करीब 4 से 5 मिनट तक वो इस जगह पर खड़े रहे, जो मैं आपको वापस तस्वीर दिखाता हूँ ऊपर की, ये वो जगह है जहाँ से ये जो झूला है वो कनेक्ट होता है, ये एक छोर है और इसी एक छोर से प्रधानमंत्री साथ ही गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल वो पहुँचे थे और 5 से 6 मिनट तक प्रधानमंत्री ने सारी डिटेल जो है ली और ये सब कुछ बता रहे थे हर्ष संघवी। तमाम जो डिटेल्स है हर्ष संघवी इसलिए बता रहे थे क्योंकि हर्ष संघवी यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिनों से मौके पर मौजूद रहे हैं और तमाम एजेंसियां जो भी इस सर्च एंड रेस्क्यू तब से यहीं पर डटे हुए थे ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चलाया जा सके। इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये जो रास्ता है इस रास्ते से होते हुए थे वो सीधा ब्रिज के पास जाते थे और वहां से फिर झूले में